नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही नेताओं में दल बदलने का दौर शुरू हो गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। ऐसे में पाला बदलने वाले या पार्टी में शामिल होने वालों को जल्दी टिकट मिल रहे हैं। अभिनेत्री जयप्रदा को जहां भाजपा में शामिल होने के बाद महज 5 घंटे में रामपुर से टिकट मिल गया, वहीं भाजपा छोड़कर आए सांसद अशोक दोहरे को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल होने के 20 मिनट बाद ही टिकट दे दिया। इसी तरह अभिनेत्री उर्मिला मारतोड़कर को कांग्रेस ने 2 दिन में मुंबई उत्तर से उम्मीदवार बना दिया। भोजपुरी गायक अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को भाजपा में शामिल होने के 7 दिन के अंदर ही आजमगढ़ में अखिलेश यादव के खिलाफ टिकट मिल गया। इस दल बदल की राजनीति पर देखिए 7i न्यूज की खास रिपोर्ट। अभिनेत्री जयप्रदा ने 26 मार्च की दोपहर भाजपा की सदस्यता ली थी। 5 घंटे से भी कम समय में उन्हें पार्टी ने उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया। जया रामपुर से 2 बार 2004 और 2009 में सपा के टिकट पर जीत चुकी हैं। सपा छोड़ने के बाद 2014 में वे रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। बाद में अमर सिंह की पार्टी में भी रही। सपा में शामिल होने से पहले वे आंध्र प्रदेश से तेदेपा के टिकट पर राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। इसी तरह भाजपा ने 2014 में मोदी लहर में यूपी के इटावा से जीते अशोक दोहरे का टिकट काट दिया। नाराज दोहरे 29 मार्च को कांग्रेस में शामिल हुए। पार्टी ज्वाइन करने के महज 20 मिनट बाद कांग्रेस ने दोहरे को इटावा से मैदान में उतार दिया। दोहरे 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा छोड़कर भाजपा में आए थे। वह मायावती की सरकार में जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं भाजपा सांसद सावित्री बाई फूले 2 मार्च को कांग्रेस में शामिल हुए। 13 मार्च को पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इस लिस्ट में बहराइच से सावित्री बाई फूले को टिकट दिया गया। वे प्रियंका गांधी की नाव यात्रा के दौरान काफी सक्रिय रही थी। 16 मार्च को सपा ने बांदा लोकसभा सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया। पार्टी ने इलाहाबाद से भाजपा सांसद श्यामाचरण गुप्त को टिकट दिया। तब पता चला कि वह भाजपा छोड़कर सपा में आ गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें सपा ने टिकट दिया था। उसके बाद उन्हें भाजपा ने इलाहाबाद से टिकट दे दिया और वे भाजपा में चले गए। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने 27 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ली। पार्टी में शामिल होने के पहले ही उन्हें मुंबई उत्तर से टिकट मिलने की चर्चा थी। पार्टी ज्वाइन करने के 2 दिन बाद उन्हें टिकट मिल गया। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल 12 मार्च को कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए। 21 मार्च को भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें सुजय का भी नाम था। पार्टी ने उन्हें अहमदनगर सीट से टिकट दिया है। भोजपुरी गायक अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को भाजपा में शामिल होने के 7 दिन के अंदर टिकट मिला। वही आजमगढ़ में सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। निरहुआ कभी अखिलेश के साथ सपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते थे। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद दरभंगा से भाजपा सांसद है। 18 फरवरी को कांग्रेस में आए। दरभंगा सीट राजद के कोटे में जाने के बाद अब कीर्ति को झारखंड की धनबाद या बिहार की वाल्मीकि नगर सीट से टिकट मिलने की चर्चा चल रही है। वहीं पटना साहिब से भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। ऐसी संभावना है कि उन्हें पार्टी पटना साहिब से उम्मीदवार बनाएगी। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।